वहीं सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 3 माह की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और मौके पर पहुंचे सीतापुर एसडीएम अतुल शेठे सहित आला अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि डॉक्टर की नाइट ड्यूटी थी, पर वे समय से पहले ही हॉस्पिटल में निकल गए और जब मासूम बच्ची को लेकर उनके परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नदारद थे। डॉक्टरों के इंतजार के समय बीत जाने के कारण बच्ची की मौत हो गई। इस घटना के बारे में जानकारी लगते ही तत्काल सीतापुर एसडीएम अतुल शेठी और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, देखा कि ड्यूटी में लगे डॉक्टर एस एन पैकरा अनुपस्थित थे। सोलह 8 बजे हॉस्पिटल आई थी, कोई डॉक्टर भी नहीं था। उसके बाद नर्स देखी, नर्स सोचकर कुछ फोन लगाई। 7:53 मिनट में मुझे किसी ने फोन किया, बताया कि बच्ची को लेकर आए हॉस्पिटल है, यहाँ पे ड्यूटी है, डॉक्टर है, मैं कचरा वहाँ उपस्थित हूँ। मैं तत्काल वहाँ पे पहुंचे, मैंने मुआयने किया, उसके अंदर डॉक्टर नहीं थे और जब डॉक्टर ने परीक्षण किया तो बच्ची को मिल पाया गया। जैसा भी सब जानकारी मिली है कि बच्ची के परिजन लोग उसको अस्पताल लाए हुए थे और उसके बाद में उनकी जो जांच के बाद में तय चला कि बच्ची को यानी कि जो है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए यानी कि सिस्टर में कहा गया, क्योंकि बच्ची बहुत ठंडी पड़ चुकी थी। और उसके बाद में इनके द्वारा यानी कि जो है तो निकुल साहब के द्वारा उसको जो है मृत घोषित किया गया है।